नमस्कार प्रिय छात्रों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th में प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 16। ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को इस वीडियो के माध्यम से हल करेंगे। इसमें प्रश्न दिया हुआ है, वह एपी ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में आपको ज्ञात करना है, एपी बनानी है, ठीक है। इसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है। इस प्रश्न को हल करते हैं। इसमें ज्ञात करना है एपी। इसमें हम क्या ज्ञात करेंगे बच्चों, इसमें ज्ञात करेंगे एपी। आप सभी जानते हो एपी ज्ञात करने के लिए आपके पास में ए का मान होना आवश्यक है और डी का मान होना आवश्यक है। तो हम पहले ए और डी का मान निकालेंगे, उसके बाद में एपी बनाएंगे, ठीक है। अब लिखते हैं जो प्रश्न में दिया हुआ है। अब आपको देखना है इस प्रश्न में क्या दे रखा है। इसका तीसरा पद 16 है, यानी इसमें तीसरा पद कितना दे रखा है, 16 है। तो मैंने यहाँ पर लिखा A3 बराबर 16। आप जानते हो A3 को मैं A+2D के रूप में लिख सकता हूँ। इसके बराबर आ जाएगा 16 और ये बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं और सातवां पद, सातवें पद का मतलब है A7। इसके बराबर लिखेंगे पाँचवें पद से 12 अधिक है, यानी पांचवा पद की बात करें A5+ और कितना अधिक है बच्चों, इसमें 12 अधिक है, ठीक है। इसमें A7 दे रखा है। A7 का मतलब होता है A+6D। एक कम कर देते हैं, A5 में इसी प्रकार हो जाएगा A+4D। आगे साइन प्लस का है, उतारेंगे 12, ठीक है, आप ऐसा कर लेना। इसके बाद में देखो, अब यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर बराबर में ए है, तो ए से ए कट जाएगा, ठीक है। अब क्या बच्चा बच्चों, हमारे पास बच गया 6D और इसके बराबर में कितना है, 4D। आगे साइन प्लस का, उतार देंगे 12। अब उतारेंगे 6D, इस 4D का करेंगे पक्षांतरण, तो माइनस का हो जाएगा पक्षांतरण करने पर। इसके बराबर में लिख देते हैं 12। अब बाकी करेंगे, इस 6 में से 4 को बैठाएंगे तो कितना बच जाएगा बच्चों, 2D। इसके बराबर आ जाएगा 12। हम लिखते हैं D बराबर 12/2, यानी 2 इधर गुणे में था, इसको नीचे लेकर आए तो भाग में हो गया। तो D का मान हमें कितना प्राप्त हो गया, 6। भाग देने पर हमने 2 का भाग 12 में दिया तो D का मान हमें 6 प्राप्त हो गया। और हमें इस प्रश्न में AP बनानी है। AP बनाने के लिए A का मान निकालना है और D का मान निकालना है। तो प्यारे बच्चों, हमने D का मान तो निकाल लिया, अब निकालेंगे A का मान। आप A का मान कैसे निकालोगे, इस D का मान समीकरण नंबर 1 में रखोगे तो आपके पास A का मान भी निकल कर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं D का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। अब आपको देखना है समीकरण नंबर 1 का है। इसमें समीकरण नंबर 1 है A+2D, इसके बराबर करेंगे 16, ठीक है। इसमें D का मान फिट करेंगे, अब उतारेंगे A साइन प्लस का, फिर उतारेंगे 2। अब आ जाएगा बच्चों D का मान, और D का मान हमें प्राप्त हुआ था 6। तो मैंने यहाँ पर लिखा 6, इसके बराबर में कर देते हैं 16। उतारेंगे A, इस ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई करना होता है। हम 2 को 6 से गुणा करते हैं, हमें 12 प्राप्त होता है। इसके बराबर में आ जाएगा 16। हमें A का मान ज्ञात करना है। उतारेंगे A, इसके बराबर में कितना दे रखा है, 16। इस प्लस 12 का करेंगे पक्षांतरण, तो माइनस का हो जाएगा 12 पक्षांतरण करने पर, ठीक है। अब उतारते हैं A बराबर कितना आ जाएगा, 16 में से 12 गया तो हम बाकी करेंगे तो 4 प्राप्त हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, हमने देखा कि हमारे पास में A का मान है 4 और D का मान आ गया 6। अब इसकी बनाएंगे AP। आप AP कैसे बनाते हो, जैसे मैं बात करूँ A1 A2 A3 A4, आपको ये पद ज्ञात करने होते हैं, ठीक है। अब इसमें देखेंगे A2 का मतलब हो जाएगा A+1D, फिर A3 का मतलब A+2D, A4 का अर्थ A+3D। इस प्रकार हम AP बनाएंगे। अब देखो इसमें A1 का मतलब A आ जाएगा, अब मान फिट करेंगे तो AP बन जाएगी। अब देखो इसमें पहला पद कौन सा है, 4 है। हमने प्राप्त किया 4 A का मान, फिर रखेंगे A और D को ऐड करेंगे तो A2 आ जाएगा, यानी दूसरा पद निकल कर आ जाएगा। इसमें देखो A का मान कितना आया था, 4। आगे साइन प्लस का है। अब लिखेंगे D का मान, और D का मान हमें प्राप्त हुआ था 6। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 10 प्राप्त हो जाएगा। फिर उतारेंगे A का मान, 4। आगे साइन प्लस का,
आ जाएगा दो, फिर रखेंगे डी का मान, हमारे पास में डी का मान है बच्चों 6। यहाँ उतारते हैं 4, आगे साइन है प्लस का, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं 12 आता है, इन दोनों को ऐड करते हैं तो 16 आ जाएगा, ठीक है। फिर रखेंगे ए का मान, हमारे पास में ए का मान 4 है, आगे साइन प्लस का, उतारेंगे 3, अब आ जाएगा डी का मान, हमारे पास में डी का मान है बच्चों 6। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 4, आगे साइन प्लस का, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 आता है, इसके बराबर में इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 22। इस प्रकार इसमें पहला पद 4, दूसरा पद 10, तीसरा पद 16, चौथा पद 22 आ जाएगा, इसकी एपी बन जाएगी। हम यहाँ पर उतार लेंगे, इसमें पहला पद कौन सा बच्चों 4 है, दूसरा कितना है 10 है, और तीसरा पद 16 है, और इसका चौथा पद 22 हो जाएगा। इस प्रकार हम इसमें डी का मान ऐड करते जाएंगे, एपी को आगे बढ़ाते रहेंगे। इस प्रकार ये प्रश्न हल होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।